तो आज सोच रहा हूँ छोटी सी ट्रिप कर लूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो शुरू कर। तो मैंने एक बैग लिया है, ये मेरा हेलमेट और ये मेरे ग्लव्स, और रास्ते में ठंड लगे तो उसके लिए मैंने जैकेट ले लिया है, और मेरे ये शूज़ है, स्पोर्ट शूज़, और ये है मेरी बाइक होंडा SP125। इसी पे हम करेंगे आज की राइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और ठंड खासी अच्छी पड़ रही है यहाँ पे। आज बहुत ठंड है यार, कभी इतनी ठंड हुई नहीं इतनी ज़्यादा। सुबह मुझे पता नहीं था कि इतनी ठंड है, फिर भी अच्छा हुआ मैं सब पहन के आया हूँ। तो दोस्तों देखो, आबू रोड 48 किलोमीटर है, 48 से मुझे जाना है 30 किलोमीटर ऊपर, यानी समझो 60-70 किलोमीटर और बचा है अभी माउंट आबू। तो अब हम चलते हैं हाईवे के ऊपर। तो दोस्तों देखिए ये नज़ारा पूरा कैसा है। हाथ यार पूरे हो गए सुन, थोड़ी ज़्यादा ठंड है आज। अरे वाह, देखो यहाँ पे मटके मिलते हैं ठंडे पानी के। तो मैं बीच में रुका था चाय पानी के लिए, तो थोड़ा अंधेरा था तो मैंने ब्लॉक वहाँ पे नहीं बनाया, तो सोचो थोड़ा उजाला होने दो। घर से अब तक मैं 64 किलोमीटर आ गया हूँ, बस अब 70 किलोमीटर और जाना है मुझे। नहीं था कि मैं ऐसा ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन चलो बना लेते हैं, बना लेंगे तो आगे भी चल लेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करो यार। पेट्रोल फुल है अभी, तो कोई भरवाने की ज़रूरत नहीं, मैं घर तक जाऊँ जा पाऊँगा इस पेट्रोल से, तो अभी तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये रास्ता सीधा गुजरात अहमदाबाद की तरफ जाता है, यहाँ से अहमदाबाद होगा तो कम से कम 200 किलोमीटर। आप ये कैसा रोड है, ये हाईवे है लेकिन देखो कितने खट्टे हैं, सब रिपेयर किया। हाँ देखो दोस्तों, 237 किलोमीटर अहमदाबाद है, बस यहाँ से 237 ही है। अब तक तो अच्छा रोड था, लेकिन अभी यार ये देखो मुझे स्पीड 55-60 पे चलानी पड़ रही है। ये मेरी बाइक है और मैं इस पर ब्लॉग शुरू किया है, अब और भी आगे जाके करूँगा ब्लॉग। आपका सपोर्ट चाहिए बस मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा रुकूँगा, स्टे करूँगा, तो फिर वहाँ से सीधा माउंट आबू नक्की झील की तरफ हम जाएंगे और वहाँ हम थोड़े शूट करेंगे। तब तक आप व्यूज़ का मज़ा लीजिए। ये हमारा शायद दूसरा टोल नाका है, पहले आया था वो थोड़ा अंधेरे में था। तो ये स्वरूपगंज का टोल नाका है, अब हम इसको पार करेंगे स्वरूपगंज के टोल नाके को। छोटा सा टोल नाका है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये दोस्तों हमने टोल नाका पार कर, टाइम हुआ है 7:47। ये देखो सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, वो जो सामने ये पहाड़ियाँ है ना, ये माउंट आबू ही है, बस हमें वहाँ ही जाना है। वहाँ देखो वो सामने, हमें वहीं जाना है। दोस्तों सामने जो एम्बुलेंस जा रही थी अभी, ये यहाँ पे खड़ी हो गई, यहाँ पे खड़ी रह गई, लगता है चाय पानी के लिए रुकी है बेचारे, पता नहीं कहाँ से आई है। रोड बहुत अच्छा है, मक्खन सा रोड है पूरा, कहते हैं ना वाह भाई मक्खन मक्खन जैसा रोड। मैं कोई ज़्यादा स्पीड से चला नहीं, 60-70, 60-55, 60 बस इतनी स्पीड से चला हूँ। यार ठंड है यार, इतनी ठंड में स्पीड में चला के क्या करेंगे।
तो दोस्तों हम माउंट आबू की तरफ चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं माउंट आबू की ट्रिप। ये है सीधा माउंट आबू, यहाँ से 23 किलोमीटर है, कम से कम 10-15 किलोमीटर की चढ़ाई है। आप व्यूज़ का नज़ारा लीजिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह। अब ठंड भी कम हो गई है। देलवाड़ा 25, माउंट आबू 21, तो हमें माउंट आबू जाना है, 21 किलोमीटर है। यार क्या रोड है, रोड तो बहुत अच्छा है मक्खन की तरह। सबसे पहले तो हम जाएंगे नक्की झील। नक्की झील है जो बहुत पुरानी झील है। पुराने लोगों का मानना है कि किसी राजा ने एक ही कुल्हाड़ी में, यानी पावड़ा आता है ना जिसको बोलते हैं खड्डा खोदने का, वो एक में ही मारा और पूरी नक्की झील पूरी खुद गई। अब पता नहीं, पुराने लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ था, बाकी तो अब भगवान जाने। ऐसे टर्न पे तो आप धीरे ही चलाओ तो और अच्छा रहेगा, क्या पता सामने से कब आए। देखो ये देखो बस आ रही है। ये देखो भाई पास से बहुत स्पीड से आता है, क्योंकि ढलान है ना, तो ढलान में स्पीड रहती है, तो अपने को भी केयरफुल करके ही हमें चलाना है गाड़ी को। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है भाइयों, हेलमेट तो जरूर पहने भाई, हेलमेट तो पहले। वाह भाई साहब क्या नज़ारा है यार, वाह क्या टर्न है, वाह। देखो दोस्तों आर्मी की गाड़ियाँ जा रही है, जय हिंद जय हिंद। यार पूरा अलग ही फीलिंग आ रहा है, जैसे कश्मीर में चल रहे हो। ये देखो पूरा मोड़ ही अलग है। देखो यार व्यूज देखो, यहाँ पे धूप देखो पहाड़ पे, कैसी धूप कैसे निकल रही है पहाड़ पे, पूरे पहाड़ को ही चमका दिया है। देखो सामने रोड है, यू मोड़ के वहाँ पे सामने रोड। देखो यहाँ से पूरा यू टर्न है, कितना खतरनाक मोड़ है। अभी 10 किलोमीटर है, बाप रे। 8:47 हो चुके हैं और अब हम पहुंचने ही वाले हैं। देखो भाई साहब क्या नज़ारा है यार, दोस्तों पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, पता नहीं कैमरे का एंगल कैसा है। ये मोबाइल से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे पास गोप्रो तो है नहीं। अब जैसे जैसे ब्लॉग बनाते जाएंगे, आपका साथ हुआ तो गोप्रो भी आ जाएगा और उससे अच्छे वीडियो बनाएंगे, अच्छे से ब्लॉग शूट करेंगे, लेकिन तब तक मुझे मोबाइल से ही काम चलाना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब सामने रोड पूरा, क्या मोड़ है यार, पूरा चक्कर आने लगे यार, क्या खतरनाक मोड़ है। ये देखो बंदर यार यहाँ पे क्या कर रहे हो, मरोगे गाड़ी के नीचे आके। देखो दोस्तों आप लोग यहाँ आओ, लेकिन इनको कभी बिस्किट वगैरह मत दो यहाँ रोड पे, मरेंगे तो पाप लगेगा, इसलिए मत मारो यार इनको। यहाँ पे रखो ही खाना मत ही दो, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, लेकिन कोई इसका पालन नहीं करता। इनको कुछ देते हैं तभी तो आके यहाँ बैठे हैं ये बंदर, कुछ नहीं देना चाहिए इनको। दो यार जंगल में जाके दो,
रोड पे क्यों देते हो? जीव हत्या मत मारो यार। अबू पर्वत 9 किलोमीटर। ओ हो। तो दोस्तों हम नक्की झील पे आ चुके हैं। ये देखो नक्की झील माउंट आबू की पूरी पानी से भरी हुई है, फुल फुल भरी हुई है। देखो नाव वगैरह सब है यहाँ पे। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, इसका कुछ चार्ज रहता है। तो यहाँ पे पता नहीं कितना चार्ज होगा, शायद ज़्यादा ही होगा। तरह तरह की बोटिंग कर सकते हैं। शराब पीकर वहाँ गाड़ी ना चलाए, इसका तो ख्याल पहले रखे भाई साहब। बोटिंग के दौरान चट्टानों पर न उतरे न था 500 रुपये जुर्माना। यहाँ पे एक केकड़ा बैठा हुआ है, बड़ा सा केकड़ा है, चीता इतना बड़ा होगा। अंदर पता नहीं क्या क्या जीव हो गए, मगरमच्छ मछलियाँ वगैरह बड़ी बड़ी, कुछ भी हो सकता है। ये देखो नाव की तरह ये पूरा रेस्टोरेंट है। ये भाई साहब यहाँ आराम कर रहे हैं नक्की झील पे। दोस्तों मैं यहाँ नाश्ता करने के लिए रुका हूँ, पोहे मिलते हैं यहाँ पे, मैगी भी बनती है जिसे हम पहाड़ वाली मैगी बोलते हैं, चाय वाय सब मिलती है। तो दोस्तों अब हम गुरु शिखर जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा अच्छा है, थोड़ा खड्डे है। अरे तेरी स्टैंड, ढलान भी बहुत है भाई साहब, पूरा पहाड़ी इलाका। अदर देवी, नक्की लेक, सर्किट हाउस, ये तो गुरु शिखर जाना है ना। जय हो अदर देवी माता की, जय जय हो माँ बे चकरना। अकेले में घूमने का मजा ही कुछ अलग है यार, बाइक ट्रिप करो या बहुत मज़ा आता है यार। ओ भाई साहब ये घर देखो कैसा बना हुआ है, देखो इस तरफ जाना है गुरु शिखर।
तो अब मैं गुरु शिखर पहुँचते ही नेक्स्ट वीडियो व्लॉग करूँगा। तब तक आप व्यू देखो, यहाँ पे गुजराती बहुत आते हैं, गुजराती टूरिस्ट बहुत यहाँ पे आते हैं। पूरा माउंट आबू है ना गुजरातियों से ही भरा पड़ा। ये देखो क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं। ये देखो जैसे कश्मीर में आ गए। बंदर, दुर्गा माता मंदिर, चलो अपने मंदिर, सरोवर, सवित्र द्वार इस तरफ जाके आते हैं। यहाँ पे मैंने एक बार आया था, यहाँ पे लाल मछलियाँ है यार। चलो देखते हैं क्या है यहाँ।